दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मस्क कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ बेचने के लिए है। आने वाले नए साल में मस्क ट्विटर हेडक्वार्टर की 200 से ज्यादा संपत्तियां बेचने वाले हैं, जिसे कोई भी शख्स नीलामी के जरिए ऑनलाइन खरीद सकता है। यह नीलामी 17 जनवरी को शुरू होगी, जिसमें हेडक्वार्टर के किचन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, यादगार चीजों समेत कई एसेट्स रखे गए हैं। ऑनलाइन नीलामी 17 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगी, जिसकी जिम्मेदारी हेरिटेज ग्लोबल पार्टनर वेबसाइट को सौंपी गई है। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक किचन के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर इस नीलामी में शामिल है। साथ ही इसमें एक्सप्रेसो मशीन, कॉफी मशीन, स्ट्रीम केटल, ओवन, फ्रिज, फ्रायर, ऑफिस की कुर्सियां, कैबिन शामिल है। ज्यादातर चीजों की शुरुआती कीमत $25 यानी करीब 2000 रुपए तय की गई है। लोगों का मानना है कि एलन मस्क ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कंपनी के खर्चों को कम कर सके। पिछले महीने मस्क ने ट्वीट कर बताया था कि कंपनी को रोजाना $40 लाख का नुकसान हो रहा है। मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। वो जल्द इसकी भरपाई भी करना चाहते हैं। ट्विटर पर भारी लोन है, वो इसे समाप्त करने के लिए एडवर्टाइजर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन के मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। हेडक्वार्टर की संपत्तियों की नीलामी को भी इसी हानि की भरपाई करने की नजर से देखा जा रहा है। बता दें, मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है, कंपनी और उसके ऑफिस में कुछ बदलाव किए हैं। कंपनी से हजारों कर्मचारियों को निकाला गया है और कंपनी की फ्री लंच सर्विस को भी खत्म किया गया है। बीते महीने एलन मस्क ने खुलासा करते हुए बताया था कि फ्री लंच सर्विस के लिए कंपनी हर साल $13 मिलियन खर्च करती है। हालांकि इसके उलट सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी आई थीं कि मस्क ने सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में कुछ ऑफिस स्पेस को बेडरूम में तब्दील किया है। ये बदलाव उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए किया जो नए काम कल्चर की वजह से काम करते हुए थक जाते हैं और घर नहीं जा पाते हैं।